नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं LIC के जीवन शांति प्लान के बारे में। LIC के इस प्लान के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने जा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल्स को समझेंगे, साथ में इस प्लान को समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, इस प्लान को समझते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो चले चलते हैं और समझते हैं इस प्लान की कंप्लीट डिटेल्स को। बाकी जो ये प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस प्रेजेंटेशन का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी दिखा सकते हैं और अपने रेफरेंस के लिए भी रख सकते हैं। इस प्लान का नाम है जीवन शांति, इसका टेबल नंबर है 858। वहीं पर अगर बात करें एन्युटी ऑप्शंस, मतलब पेंशन के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अंदर, एक है सिंगल लाइफ, दूसरा है ज्वाइंट लाइफ। सिंगल लाइफ के अंदर आपको जो ऑप्शन मिलता है कि आप जब तक आपकी लाइफ है आपको वो पेंशन मिलती रहेगी जो डिसाइडेड होगी, उसके बाद आपने जो भी अमाउंट दिया है रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस नॉमिनी को दे दिया जाएगा एज ए डेथ क्लेम। वहीं पे अगर आप ज्वाइंट लाइफ का चुनाव करते हैं ऑप्शन टू, उस केस के अंदर जब तक आपकी लाइफ रहेगी, जब तक आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद अगर आपके पार्टनर की लाइफ रहेगी, मतलब दोनों में से जिसकी लंबी उम्र रहेगी उसको वो पूरी की पूरी पेंशन का अमाउंट मिलता रहेगा, और एंड में नॉमिनी को जो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस या डेथ क्लेम जिसको बोलेंगे हम, वो उनको दे दिया जाएगा। बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, तो मिनिमम सम एश्योर्ड में 1.5 लाख रुपए है, बट वहीं पे एक एक्सेप्शन है, अगर वो NPS सब्सक्राइबर हैं या हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए जो मिनिमम लिमिट रखी गई है वो 50,000 रुपए रखी गई है सम एश्योर्ड की। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं दी गई है इस प्लान के अंदर। अब आइए चलते हैं, समझते हैं इसमें पैसा कितने समय तक देना होगा। ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है तो आपको वन टाइम में ही पेमेंट इसकी करनी होगी। अब बात करते हैं मिनिमम एज ऑफ एंट्री की, मिनिमम एज ऑफ एंट्री रखी गई है 30 साल, मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 79 ईयर्स है। वहीं पे जो ज्वाइंट लाइफ है, ज्वाइंट लाइफ में आप अपने स्पाउस को, अपने चाइल्ड मतलब आपके बच्चे, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चाइल्ड को ऐड कर सकते हैं, मतलब अपना पार्टनर बना सकते हैं पेंशन के लिए। अब वहीं पे ज्वाइंट लाइफ में जो मिनिमम एज रखी गई है एंट्री की, वो 30 साल रखी गई है, मतलब 30 साल से बिलो, मतलब आपके बच्चे अगर 30 साल से कम है, आपकी वाइफ 30 साल से कम की एज है, तो उनको आप या ग्रैंड चाइल्ड उनको आप अपना पार्टनर पेंशन के लिए नहीं बना सकते हैं और ऑप्शन टू का चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो ऑप्शन टू का चुनाव करना है उसके लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। मिनिमम वेस्टेड एज, मतलब आपका जो पेंशन स्टार्ट होगी उसकी मिनिमम जो एज रखी गई है 31 ईयर्स रखी गई है, मतलब अगर आपने 30 साल की उम्र लिया है प्लान तो उस केस के अंदर में आपको 1 साल का डेफर्ड पीरियड मिनिमम लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम वेस्टेड एज जो है 80 ईयर्स रखी गई है, 80 ईयर्स से ऊपर की वेस्टेड एज नहीं रखी गई है। अब आइए समझते हैं डेफरमेंट पीरियड, इसमें डेफरमेंट पीरियड जो है मिनिमम 1 साल है, मतलब आज आप पॉलिसी लेते हैं तो उसके बाद 1 साल मिनिमम आपको वेट करना पड़ेगा, 1 साल बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और मैक्सिमम इसमें 12 साल रखा गया है। तो अगर आप चाहें तो आज ही प्लान लेके और 12 साल बाद से मतलब आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसके थ्रू आप आज ही अपने लिए जो पेंशन है, जो आप पैसा लगा रहे हैं उस पर गारंटीड 8 से 9% रिटर्न फिक्स कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम। जब आज के समय में इंटरेस्ट रेट डाउन जाते जा रहा है, उस केस के अंदर अगर आपको लाइफ टाइम गारंटीड मिल रही है 9% और 8% डेफरमेंट पीरियड की वजह से, तो आपको ये चुनाव जरूर करना चाहिए। इसीलिए LIC का सबसे बेस्ट प्लान है। मिनिमम एन्युटी जो इसमें रखी गई है, मंथली पेंशन 1,000 रुपये है, क्वार्टरली 3,000 रुपये, हाफ ईयरली 6,000 और ईयरली 12,000 रुपये। और मैक्सिमम एन्युटी, जैसे मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, इसी तरह से मैक्सिमम एन्युटी की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। आप जितना मर्जी चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट करके पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। मोड ऑफ पेंशन इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली है, बट रिकमेंडेड रहता है ईयरली, क्योंकि ईयरली में आपको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है। इसमें मैच्योरिटी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, बिकॉज मैच्योरिटी ये एक पेंशन प्लान है, तो पेंशन प्लान के अंदर आपको मैच्योरिटी नहीं मिलती है। बट हाँ, अगर आपने प्लान ज्वाइंट लाइफ के लिए ले रखा है तो उसके केस में आपके पार्टनर को जो है एक सर्वाइवल बेनिफिट, मतलब उनकी जो पेंशन है वो सेम मिलती रहेगी, साथ में उनको जो उनके बाद जो डेथ बेनिफिट है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट में आपको रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जितने का आपने अमाउंट पे करा है GST छोड़कर, वो अमाउंट उनको दे दिया जाएगा। इसमें सरेंडर आप किसी भी समय कर सकते हैं, मतलब आप पॉलिसी लेने के किसी भी समय सरेंडर कर सकते हैं, बट सरेंडर करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि सरेंडर करने पे आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। तो इसलिए एडवाइज ये करेंगे हम कि अगर आप इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वही पैसा इन्वेस्ट करें जिस जो आपके लिए एक तरह से आप बैंक में सेव करके सेफ में रखना चाहते हैं और साथ में उसके ऊपर कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप आने वाले समय में इसको सरेंडर करते हैं तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है।
लोन की बात अगर मैं बात करूं तो लोन आपको 3 महीने बाद अवेलेबल हो जाता है, जिसकी जो कंडीशन होती है आपके सरेंडर वैल्यू की 80% मैक्सिमम आपको 80% लगता है, और दूसरा आप जो एनुअल पेंशन आप ले रहे हैं एनुअल पेंशन का 50%, मतलब एनुअल पेंशन आपके अगर 1 लाख रुपए है तो उसका जो इंटरेस्ट होगा लोन का वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आइए अब समझते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट्स। इनकम टैक्स बेनिफिट में जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। वहीं पे जो आपको पेंशन मिलेगी वो टैक्सेबल होगी एज पर इनकम टैक्स लॉ। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, इनकम टैक्स लॉ के क्राइटेरिया के अंदर आती है, तो ही आपके पेंशन के ऊपर टैक्स लगेगा, अदरवाइज वो भी आपको एक तरह से टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। तीसरा, डेथ बेनिफिट आपको इनकम टैक्स से फ्री मिलता है, मतलब टैक्स फ्री रहता है वो अंडर सेक्शन 1010D, वो आपके नॉमिनी को जो दिया जाता है। डेथ बेनिफिट के अंदर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए हैं जो कि पॉलिसी धारक जिसने पॉलिसी ली है वो उसका चुनाव कर सकता है, इसका चुनाव नॉमिनी बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। जैसे कि सबसे पहला लमसम डेथ बेनिफिट। लमसम डेथ बेनिफिट में जो आपका अमाउंट आपने जो 10 लाख रुपए जैसे एग्जाम्पल के लिए डाले हैं पेंशन लेने के लिए, 10 लाख रुपए पूरा का पूरा उनको दे दिया जाएगा। एन्युटी ऑफ डेथ बेनिफिट। एन्युटी ऑफ डेथ बेनिफिट के केस में होगा जब भी आपके और आपके अगर आपने इंडिविजुअल ले रखी है तो आपकी या आपने ज्वाइंट ले रखी है तो आप और आपके पार्टनर की डेथ होती है एंड में, उसके बाद उस समय जो आपका लमसम अमाउंट है वो उसको एक एन्युटी प्लान जो उस समय चल रहा होगा उस समय के हिसाब से उनको पेंशन मोड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उनको पेंशन लाइफ टाइम उनकी लाइफ के लिए मिलती रहेगी। तीसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट में, जो कि 5 साल, 10 साल और 15 साल के मोड में मिलेगा और उसका भी चुनाव आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के मोड में कर सकते हैं। इस केस के अंदर भी एडवाइस ये रहती है कि आप लमसम का चुनाव करें, बाकी अगर आपको लगता है कि एन्युटी ही रखना है तो आप एन्युटी और इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं इस प्लान के अंदर इंसेंटिव आपको किस तरह से मिलेगा। पहली बात आपको ये समझना होगा कि जो भी इंसेंटिव आपको मिल रहा है, मतलब जो रिबेट मिलेगी आपको परचेज पर, हायर प्राइस परचेज प्राइस में, वो आपके जो पेंशन है उसके अंदर ऐड कर दी जाएगी। वो ऐड जो होगी वो पर 1000 रुपीज ऐड होगा। तो ये है कंप्लीट चार्ट जिसके अंदर आप देख रहे होंगे इंसेंटिव कॉलम के अंदर और परचेज प्राइस के कॉलम के सामने डाला गया है कि आपको कितने रुपए पर 1000 आपको पेंशन एक्स्ट्रा मिलेगी अगर आपका परचेज प्राइस हायर है, मतलब 1 करोड़ रुपया ले, 1 करोड़ एंड अबव के केस के अंदर 2.70 रुपए पर 1000 आपका पेंशन बढ़ जाता है। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, मतलब इंसेंटिव है LIC की तरफ से। आइए अब समझते हैं इस प्लान को एक एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल में हम इस प्लान को कंपेयर करेंगे सिंगल लाइफ वर्सेज ज्वाइंट लाइफ, दोनों को एक साथ में कंपेयर करेंगे कि अगर एक्स पर्सन है जिसकी एज 40 ईयर्स है, जिसकी वाइफ की एज 35 ईयर्स है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक पेंशन प्लान के अंदर, तो उनको सिर्फ एक एडवाइस चाहिए कि कौन सा प्लान उनके लिए बेटर रहेगा, कितना डेफरमेंट पीरियड बेटर रहेगा। तो उसके लिए हमने कंप्लीट चार्ट बनाया है जिसके अंदर डेफरमेंट पीरियड कंप्लीट रहेंगे, सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ में कितने परसेंट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। 1 साल के डेफरमेंट पीरियड में मिस्टर एक्स को जो ईयरली पेंशन मिल रही है वो 5.39% के हिसाब से 53,900 रुपये मिल रही है। वहीं पे अगर ज्वाइंट लाइफ में ये चुनाव करते हैं तो उसमें जो 53,900 रुपये की जगह पे 53,500 रुपये, मतलब 5.35% के हिसाब से उनको रिटर्न मिलने वाला है। वहीं पे 2 साल में 57,100 रुपये, मतलब 5.71%, और ज्वाइंट लाइफ में 56,500 रुपये, मतलब मेजर अगर आप डिफरेंस बोलेंगे तो कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बट जो बेनिफिट की बात करेंगे तो मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि ज्वाइंट लाइफ लें। पहला तो हमने चुनाव कर लिया कि हमको सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ में ज्वाइंट लाइफ लेना चाहिए क्योंकि ज्वाइंट लाइफ में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि मिस्टर एक्स और उनकी वाइफ दोनों में से जिसकी ज़्यादा लंबी एज रहेगी उसके उसको ये पेंशन कंटिन्यू मिलती रहेगी। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल मिस्टर एक्स की डेथ पहले हो जाती है और उनकी वाइफ जो है उसके बाद ही 20 से 25 साल, 30 साल, 40 साल जीती है, तो उनको ये पेंशन मिलती रहेगी, साथ में जो परचेज प्राइस है 10 लाख रुपए वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो बेटर ऑप्शन ज्वाइंट लाइफ का रहेगा। 3 साल के अंदर देखेंगे आप 6% के आसपास रिटर्न आ रही है, 4 साल के अंदर 6.5% के आसपास, और वहीं 5 साल में तकरीबन 6.65%, 8 साल में 7.89%, 10 साल के अंदर 8.70%, और यहाँ ज्वाइंट लाइफ में भी तकरीबन 8.38%, और अगर ये 12 साल का डेफरमेंट पीरियड आज मिस्टर एक्स ले लेते हैं, मतलब 52 साल की उम्र से वो पेंशन के लिए उम्मीद करते हैं, तो उनको सिंगल लाइफ में 97,000 रुपये सालाना, मतलब 9.70%, और वहीं पे ज्वाइंट लाइफ में 9.20% के हिसाब से तकरीबन 93,000 रुपये उनको मिलेंगे हर साल, उनको मिलेंगे और उनकी वाइफ को जब उनकी डेथ हो जाएगी उनकी वाइफ को मिलते रहेंगे, और उसके बाद परचेज प्राइस उनको मिल जाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है इस समय अगर आपको डेफरमेंट ऑप्शन का चुनाव करना है। अदरवाइज आप हमारी जीवन अक्षय और सरल पेंशन योजना वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिनका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है।
जैसे कि मैंने आपको पहले कमिट किया था, इस पूरी कंप्लीट प्रेजेंटेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर हमने इस प्लान को समझा एक एग्जाम्पल के साथ, और साथ में समझा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जीवन शांति प्लान को लेने के लिए और क्यों ये प्लान अच्छा है बैंक की FD से। अब बाकी अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलें। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आखिरी में, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंत में, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।